नमस्कार दोस्तों, स्टडी का रेनवे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन दिया गया है, एक पार्टी में पांच मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक तो बताएंगे ही आपको लास्ट में, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर जो पार्टी हो रही है, इसमें कितने मित्र हैं? पांच मित्र हैं। एक मित्र, दो मित्र, तीन, चार, ये रहा पांच। अब दोस्तों, यहाँ पर हो क्या रहा है कि प्रत्येक मित्र एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। जैसे यदि हम बात करें पहले मित्र की, तो यह कितना गिफ्ट खरीदेगा पार्टी में ले जाने के लिए? तो चार गिफ्ट खरीदेगा, क्योंकि स्वयं तो लेगा नहीं। तो देखिए, ये चार गिफ्ट खरीदेगा। मान लीजिए, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। अब देखिए, जो दूसरा मित्र है, ये कितना गिफ्ट खरीदेगा? ये भी चार ही गिफ्ट खरीदेगा, क्योंकि अपने तो लेगा नहीं। तो देखिए, इसने चार खरीदा, एक इसको दिया, अपना नहीं लेगा, इसको देगा, फिर इसे देगा, फिर इसको देगा। अब देखिए दोस्तों, जो तीसरा मित्र है, यह भी चार ही गिफ्ट खरीदेगा, तो एक गिफ्ट इसको देगा, एक इसको देगा, स्वयं नहीं लेगा, इसको देगा, इसको देगा। इसी तरीके से जो चौथा मित्र है, यह भी चार ही गिफ्ट खरीदेगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, अपने को नहीं लेगा, एक इसे देगा। अब जो लास्ट वाला मित्र है, यह भी चार ही गिफ्ट खरीदेगा, एक जो है इसको दे देगा, एक इसे दे देगा, एक गिफ्ट इसे दे देगा, एक गिफ्ट इसे दे देगा। तो देखिए दोस्तों, अब जो है यहाँ से आप टोटल गिफ्टों की संख्या काउंट करके बता सकते हैं कि कितना गिफ्ट होगा। तो यदि आप इसे काउंट करेंगे, चार चार आठ, चार बारह, चार सोलह, चार बीस, तो टोटल गिफ्टों की संख्या कितनी निकल के आ गई? बीस आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों, यदि आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको करना क्या है ट्रिक से सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले यहाँ पर मित्र कितने हैं? पांच हैं। तो यहाँ पर आपको पांच लिख लेना है। बस आपको करना क्या है, पांच में से एक को कम कर देना है। यदि पांच में से एक को कम करेंगे तो चार हो जाएगा। बस एक कम करके इसी दोनों का आपस में गुणा कर लेना है, तो पांच चौका में बीस। तो यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे या फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर सेम ही आएगा। बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप कंपटीशन एग्जामों में जल्दी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ऐसा करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।